आज तारीख हो चुकी है 29 मार्च। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर सभी टीमों को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है कोलकाता की तरफ से। दरअसल कोलकाता ने कल मुजीबुर रहमान की ऑफिशियल रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी, जहां पर मुजीबुर रहमान की जगह अफगानिस्तान के 16 वर्षीय गेंदबाज यहां पर अलाक गजारतार को इन्होंने यहां पर अपनी टीम में रिप्लेसमेंट के तौर पर बुला लिया। इसके साथ ही ये भी यहां पर राशिद खान की तरह यहां पर गुगली, इसके साथ ही लेग ब्रेक और लेग स्पिन सारे वेरिएशन करते आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियोस के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे। तो कुल मिला करे अफगानिस्तान में इन्हें दूसरा राशिद खान कहा जाता है और मुजीब जो कि पिछले लंबे समय से इंजर्ड चल रहे थे, भारत अभी तक नहीं आ पाए थे, तो मुजीब से इन्हें यहां पर रिप्लेस कर दिया गया। तो कोलकाता में अब एक बेहतरीन स्पिनर की एंट्री हो चुकी है, एक तरीके से दूसरे राशिद खान की एंट्री हो चुकी है। वैसे ये रिप्लेसमेंट कल सबसे पहले हमने टेलीग्राम पर अपडेट करी थी और जो भी आईपीएल के रिगार्डिंग अपडेट होते सब कुछ हम टेलीग्राम पर अपडेट करते। तो आप फटाफट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और आप कमेंट करके बताइए आपको कोलकाता का आखिर ये सही फैसला सही डिसीजन लगा या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी अब प्रसिद्ध कृष्णा की यहां पर कल रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी है, जहां पर प्रसिद्ध कृष्णा की जगह यहां पर केशव महाराज को इन्होंने रिप्लेसमेंट के तौर पर अपनी टीम में बुला लिया, जहां पर केशव महाराज रिजर्व के तौर पर लखनऊ के साथ जुड़े थे। लखनऊ में ये रिजर्व के तौर पर आए थे, इवन लखनऊ की टीम के साथ पिछले यहां पर एक डेढ़ सप्ताह से ये वर्क भी कर रहे हैं, जहां पर नेट्स में गेंदबाजी भी कर रहे हैं। लेकिन अब लखनऊ को छोड़कर कल इनको राजस्थान के कैंप में आना पड़े। अब राजस्थान के लिए अगले मुकाबले में ये अवेलेबल होंगे, राजस्थान का मुंबई के खिलाफ जो 1 अप्रैल को अब मुकाबला होना है उस मुकाबले में ये अवेलेबल होंगे। तो कुल मिलाकर अब केशव महाराज राजस्थान में प्रसिद्ध कृष्णा को रिप्लेस कर चुके। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग राजस्थान का ये सही फैसला सही डिसीजन है या फिर नहीं। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबले को लेकर। दरअसल आज आईपीएल में हमें आरसीबी और कोलकाता के बीच काफी इंपोर्टेंट मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर इन दोनों टीमों के बीच काफी तगड़ी राइवलरी होती है। इसके साथ ही गौतम गंभीर वर्सेस विराट कोहली, इसके साथ ही रिंकू सिंह वर्सेस यश दयाला में देखने को मिलेगा और भी बेहतरीन इन दोनों टीमों के बीच अब तक राइवलरी है। तो कुल मिलाकर आज आईपीएल का काफी इंपोर्टेंट मुकाबला होना है। और इस मुकाबले से पहले हम आपको टॉस विनर, मैच विनर सब कुछ बता देंगे। मुकाबले से एक घंटा पहले ही हम मैच विनर टीम का आपको नाम बता देंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल करें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर हम विनर टीम का नाम मुकाबले से पहले रिवील कर देंगे और कल के मुकाबले की प्रेडिक्शन का स्क्रीनशॉट भी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कल हमने ये बताया था कि राजस्थान मुकाबला जीतेगा और राजस्थान ने ही मुकाबला जीता था, तो हर एक मुकाबले की हम मुकाबले से पहले प्रेडिक्शन दे देते हैं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मुंबई की तरफ से। दरअसल मुंबई में यहाँ पर 17 वर्षीय यहाँ पर कोहना, जिन्होंने यहाँ पर रिसेंटली डेब्यू किया था। दरअसल मुंबई और यहाँ पर हैदराबाद के मुकाबले में इन्होंने डेब्यू किया था और 4 ओवर में 66 रन इन्होंने दिए थे। इससे पहले इन्होंने अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला था, अंडर-19 वर्ल्ड कप में 9 मैचों में 27 विकेट लिए थे। मैन ऑफ द टूर्नामेंट ये रहे थे, लेकिन आईपीएल का डेब्यू इनका अच्छा नहीं रहा है। लेकिन इसके बावजूद एक शॉकिंग खबर निकल कर आ रही है। खबर के अकॉर्डिंग करंटली ये 12th स्टैंडर्ड में, करंटली 12वीं क्लास की ये पढ़ाई कर रहे हैं और अभी इनका स्कूल चल रहा है, इस वजह से ये भारत में आईपीएल खेलना है। तो यहाँ पर अपने साथ इन्होंने बुक्स भी कैरी करी है, यहाँ पर बुक्स भी लेकर आए। मुंबई के प्रैक्टिस सेशन के बाद ये पढ़ाई भी करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करते हैं। इसके साथ ही आईपीएल के जस्ट बाद यहाँ पर साउथ अफ्रीका जाकर ये अपना एग्जाम भी देंगे। तो कुल मिलाकर एक तरीके से 12th क्लास का बच्चा मुंबई में यहाँ पर खेल रहा है, इवन यहाँ पर डेब्यू भी कर चुका है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कोहना को आखिर आगे और मौके मिलने चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आते होते दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले 2 मुकाबलों से पृथ्वी शो को ड्रॉप कर रखा है, इवन पृथ्वी शो के यहाँ पर ड्रॉप किए जाने के बाद तो लगातार ये टीम मुकाबले भी हार चुकी है और यहाँ पर इस टीम की यहाँ पर ओपनिंग स्लॉट नंबर 3, इसके साथ यहाँ पर इस टीम का टॉप ऑर्डर कुछ भी यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद कल यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स के कमेंटेटर ने गांगुली से पूछा था कि आखिर यहाँ पर पृथ्वी शो को क्यों ड्रॉप कर रखा है, तो उन्होंने ये कहा कि वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपनर्स के साथ जाना चाहते हैं। इसके साथ ही पोंटिंग यहाँ पर पृथ्वी शो के यहाँ पर नेट सेशन से कुछ नहीं थे, इस वजह से पोंटिंग ने और पंत ने मिलकर उनको ड्रॉप कर दिया। तो कुल मिलाकर दिल्ली कैपिटल्स के फैंस तो यही एक्सपेक्ट कर रहे कि पृथ्वी शो को प्लेइंग 11 में खिलाया जाए, वहीं दूसरी तरफ पोंटिंग इनको प्लेइंग 11 में खिलाना नहीं चाह रहे। तो हो सकता है कि मिड सीजन ट्रांसफर विंडो में अब पृथ्वी शो इस टीम को छोड़कर चले जाए। आप कमेंट करके बताइए आप पृथ्वी शो को प्लेइंग 11 में देखना
जाओगे या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं छठी बड़ी खबर की। तो छठी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मुंबई की तरफ से। दरअसल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मुंबई में गुटबाजी हो चुकी है, ग्रुप्स यहाँ पर बन चुके, जहाँ पर एक ग्रुप में यहाँ पर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इसके साथ ही तिलक वर्मा और अदर प्लेयर है, जबकि दूसरे ग्रुप में हार्दिक पांड्या और ईशान किशन और अदर प्लेयर्स है। तो कुल मिलाकर गुटबाजी हो चुकी है। हार्दिक पांड्या के गुट में ईशान किशन है, रोहित शर्मा की तरफ यहाँ पर बुमराह, तिलक वर्मा और बाकी प्लेयर है। इसके साथ ही हालांकि हार्दिक पांड्या को और उनके ग्रुप को यहाँ पर ओनर की तरफ से बैक किया जाता है। हार्दिक पांड्या को मुंबई के ओनर द्वारा यहाँ पर बैक किया जा रहा है। तो मुंबई में अंदरूनी लड़ाई हो चुकी है, इसी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग टीम अब तक मुकाबला नहीं जीत पाई है। दो लगातार ये टीम मुकाबले हार चुकी है। मुंबई का स्क्वाड ऑन पेपर शायद सभी टीमों में से सबसे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, इसके बावजूद ये टीम दो मुकाबले हार चुकी है। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग आखिर मुंबई को फटाफट क्या सोल्यूशन करना चाहिए ताकि ये टीम अपनी इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सोल्व कर पाए। अब बात करते हैं सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती होती है सूर्य कुमार यादव की तरफ से। दरअसल सूर्य के लिए एक और बुरी खबर निकल कर आ रही है, जहाँ पर सूर्य कुमार यादव दो मुकाबले तो मुंबई के लिए मिस कर चुके हैं। मुंबई को बड़ा झटका लगा। अब यहाँ पर होपफुली दो और मुकाबले या फिर तीन और मुकाबले शायद ये मिस कर सकते हैं, स्पेशली 1 अप्रैल को जो मुंबई राजस्थान का मुकाबला होना है, उस मुकाबले से तो ये बाहर हो चुके। तो मुंबई के लिए बुरी खबर है। सूर्य कुमार यादव जो कि T20 के इस टीम के यहाँ पर बेस्ट प्लेयर है, वो यहाँ पर IPL में अब तो एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए। अभी भी यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि कौन सी तारीख से ये अवेलेबल होंगे। आप कमेंट करके बताइए कि 1 तारीख को बिना सूर्य के भी ये टीम मुकाबला जीत सकती है या फिर नहीं। अब बात करते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है रियान पराग की तरफ से। दरअसल रियान पराग जिनको पिछले 2 साल से लगातार ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन कल यहाँ पर रियान पराग ने बल्ले से जवाब दिया। IPL एडिशन में अब तक बल्ले से इनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जहाँ पर कल राजस्थान की शुरुआत में जल्दी विकेट हो गए थे। वहाँ पर 45 बॉलों में नाबाद 84 की इन्होंने पारी खेली थी, 7 चौके 6 छक्के इन्होंने जड़े, तो राजस्थान को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका और अहम रोल इनका था। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रियान पराग इस IPL एडिशन में यहाँ पर बेहतरीन फॉर्म में लग रहे, जबरदस्त फॉर्म में लग रहे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर ये साल रियान पराग का होगा या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।